हेलो, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। आपने दादी नानी के बताए कई टिप्स पढ़े या सुने तो जरूर होंगे, या फिर कई वीडियोस और आर्टिकल्स भी देखे होंगे। इनमें से कुछ आप फॉलो भी करती होंगी, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इन घरेलू नुस्खों के पीछे सिर्फ किसी की सोच नहीं बल्कि इसके साइंटिफिक रीजन भी है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ये घरेलू उपचार या घरेलू नुस्खे इतने असरदार होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बालों के लिए प्याज का इस्तेमाल। अमूमन आपने कई सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिनमें बालों की परेशानी को दूर करने के लिए प्याज के इस्तेमाल के बारे में बताया जाता है, या फिर आपकी दादी भी कहती होंगी। इसके पीछे वजह प्याज में मौजूद एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं, जो आपके स्कैल्प में मौजूद बैक्टीरिया जो कि डैंड्रफ को बढ़ावा देते हैं उन्हें खत्म कर स्कैल्प की गहरी सफाई करता है। साथ ही ये किसी तरह के इन्फेक्शन को भी खत्म करने में मदद करता है। इसमें मौजूद सल्फर आपके झड़ते बालों की परेशानी को दूर करने में काफी असरदार होता है। मजबूत और सुंदर बालों के लिए आंवला का इस्तेमाल। जी हाँ, अक्सर बालों की परेशानी होने पर आपको आपकी माँ या दादी आंवले का इस्तेमाल करने के लिए कहती होंगी, क्योंकि आंवला में विटामिन सी होता है जो बालों की ग्रोथ और मजबूती के लिए काफी जरूरी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विटामिन सी कोलेजन से बना होता है। कोलेजन आपके स्कैल्प में हेयर प्रोटीन के प्रोडक्शन को बढ़ाकर इन्हें मजबूत बनाता है। साथ ही विटामिन सी स्कैल्प में आसानी से आयरन अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। इसके लिए आंवला को पीसकर स्कैल्प और बालों पर अच्छी तरह लगाएं, सूखने पर धो लें। इससे आपको सफेद बालों की परेशानी भी दूर होगी। आप हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल जरूर करें। रूखे बालों में घी या दही लगाने की सलाह। जी हाँ, रूखे बालों की परेशानी दूर करने के लिए आपने दही या घी के बारे में तो जरूर सुना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ घी में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी के साथ एंटीऑक्सीडेंट और फैटी एसिड की भरमार होती है, ये स्कैल्प में आसानी से ऑब्जर्व हो जाते हैं और बालों को अच्छी तरह मॉइस्चराइज कर रूखेपन को दूर करते हैं। सोने से पहले हफ्ते में 2 बार गुनगुने घी से स्कैल्प की मसाज करें। वहीं दही में मौजूद कंडीशनिंग और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी मदद से आप बालों को डीप कंडीशनिंग कर इसे सॉफ्ट और स्मूथ बना सकती हैं। इतना ही नहीं, इससे आपके बाल भी शाइनी बनेंगे। दही की एक पतली लेयर स्कैल्प और बालों पर लगाएं और सूखने के बाद धो लें। कई बार कोल्ड ड्रिंक, स्मोक या ड्रिंक करने से दांत पीले पड़ जाते हैं और अक्सर आपके पीले दांत को देखते हुए लोग आपको बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करने के लिए कहते होंगे। दरअसल दांतों के पीलेपन के पीछे वजह इस पर जमा हुआ एसिडिक कंटेंट होता है। इसे खत्म करने में बेकिंग सोडा असरदार है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें अल्कलाइन प्रॉपर्टी होती है जो एसिड के साथ रिएक्ट कर इसे बैलेंस करती है और पीलेपन को दूर कर दांतों को सफेद बनाती है। अक्सर आपकी दादी या नानी गोरी रंगत या चेहरे के दाग धब्बों को दूर करने के लिए चेहरे पर टमाटर और नींबू लगाने की सलाह देती होंगी। दरअसल स्किन टोन बेहतर बनाने, टैनिंग या चेहरे के दाग धब्बों को खत्म करने के लिए टमाटर और नींबू बेहद कारगर हैं। पर हाँ, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इस ट्रिक को बिल्कुल भी ना आजमाएं। इस घरेलू नुस्खे के काम करने के पीछे की वजह यह है कि इन दोनों में ब्लीचिंग और स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। इनमें मौजूद ये दो प्रॉपर्टीज इनके एसिडिक नेचर की वजह से होता है और इसलिए ये स्किन की परेशानियों को खत्म करने में मदद करते हैं। आपकी माँ जब भी सर्दियों में आपके फटे होंठ को देखती होंगी तो आपको बादाम का तेल लगाने की सलाह देती होंगी। रात में सोने से पहले आप होंठों पर हर रोज बादाम तेल की पतली लेयर लगाकर इन्हें सॉफ्ट और स्मूथ बना सकती हैं। इसके काम करने के पीछे वजह है कि बादाम तेल में विटामिन B2 होता है जो रूखेपन को दूर करने में मदद करता है। वहीं इसमें मौजूद विटामिन E आपके होंठों को सन डैमेज से बचाकर डार्क लिप्स की परेशानी से दूर रखता है। इतना ही नहीं, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो होंठों को ही नहीं बल्कि आपके चेहरे को भी खूबसूरत बनाए रखने में मदद करता है। तो अब आप समझ ही गई होंगी कि आखिर क्यों ये घरेलू नुस्खे इतने कारगर होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ घरेलू नुस्खे ही नहीं बल्कि इसमें कई तरह के साइंटिफिक गुण भी हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए बोल्ड स्काई के साथ और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।